नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आज आपको बता रहा हूँ रेडियल ड्रिल मशीन किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, ड्रिल मशीन का मेन काम रहता है किसी भी वर्कपीस में होल करने के लिए। से ऐसे कोई भी वर्कपीस आता है उसके अंदर होल करना है, होल के अंदर थ्रेड बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे। तो मेन काम रहता है ड्रिल मशीन का किसी भी मटेरियल के अंदर या किसी भी पार्ट्स के अंदर होल बनाने के लिए रेडियल ड्रिल मशीन का यूज किया जाता है। दोस्तों, अब सबसे पहले रेडियल ड्रिल मशीन के ऊपर कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं, उन सबका क्या काम रहता है, तो मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन डिटेल बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं, उन पार्ट्स का क्या काम रहता है। तो सबसे पहले नीचे रखा रहता है दोस्तों, ये रहता है, ये बेस रहता है। बेस क्या करते हैं, इसको कास्टिंग करके बनाते हैं और एक ही बार में कास्ट करके बनाते हैं, और इसको इतना मजबूत बनाते हैं क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा सामान फिट रहता है। तो ये क्या कास्टिंग करके बनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्लॉट बनाते हैं। स्लॉट का क्या काम रहता है, इसके अंदर टेबल को फिट करने के लिए इसके अंदर स्लॉट बनाते हैं। सेकंड नंबर, आप इधर आओगे तो आपको दिख रहा होगा ये पिलर रहता है दोस्तों। ये पिलर रहता है ना, ये पिलर भी क्या करता है, कास्टिंग करके बनाते हैं और इसको ग्रैंड फिनिश करते हैं, बहुत अच्छा फिनिश करते हैं। देखो, फिनिश करने के बाद क्या रहता है, बिल्कुल फिनिश हो जाता है। उसी के ऊपर ये रहता है, ये रेडियल आर्म रहता है, इसको पूरा को रेडियल आर्म बोलते हैं। रेडियल आर्म के ऊपर बहुत सारे पार्ट्स लगे रहते हैं, जैसे हैंड व्हील, क्रॉस हैंड व्हील, मोटर चालू ऑन करने के लिए, इसके बाद गाइड भी लगी रहती है, इसके बाद एलिवेटिंग स्क्रू लगा रहता है, उसको क्या रहता है, ये रेडियल ड्रिल को आगे पीछे यानी हॉरिजेंटल पोजीशन पे आगे और पीछे करने के लिए काम दिया जाता है। इसके बाद रेडियल आर्म को पिलर के ऊपर वर्टिकल ले जाने के लिए काम में लिया जाता है। जी, आप करना और डाउन डाउन करना, तो अप और डाउन करने के लिए इस मोटर का यूज किया जाता है और पिलर पे ये अप और डाउन होता है। इसके ऊपर ये रहता है, ये एलिवेटिंग स्क्रू लगा रहता है, एलिवेटिंग स्क्रू की वजह से इसके ऊपर पूरा बेवल मैकेनिज्म लगा रहता है, बेवल गियर मैकेनिज्म लगा रहता है, उसकी वजह से ये एलिवेटिंग स्क्रू मूव करता है, घूमता है, उसी वजह से रेडियल आर्म ऊपर और नीचे आती है। इसी तरीके से ये गाइड वे लगी रहती है, इस गाइड वे के अंदर भी ये एलिवेटिंग स्क्रू लगा रहता है, उसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आगे और पीछे आती है। ठीक है ना, इसके ऊपर आपको इसको पास में लेके बताऊं, इसके ऊपर ये क्या है, इसके ऊपर पुली ड्रवन है, तो पुली के लिए अलग अलग अरेंजमेंट लग रहा है, पुली ड्रवन है तो यहाँ पर ये मोटर लग रही है, मोटर का अलग अलग आरपीएम की वजह से ये पहले नंबर पे लग रहा है, ये फोर नंबर पे लग रहा है। तो जितना आरपीएम को कम ज़्यादा करने के लिए पुली ड्रवन का यूज किया जाता है, उसी की वजह से इसके ऊपर स्पिंडल लगा रहता है, स्पिंडल इसके ऊपर लगा रहता है, स्पिंडल लगा रहता है, स्पिंडल को फिर हम जो स्पिंडल हैंडल रहता है उसकी वजह से इसको ऊपर डेप्थ देते हैं। ठीक है ना, स्पेंडल रहता है, इसके ऊपर फिर चक लगा रहता है, चक के बाद फिर ये बिट लगी रहती है, ड्रिल बिट रहती है। इसके ऊपर जो टेबल रहता है, टेबल पे क्या करते हैं, वाइस को फिट करते हैं, वाइस को फिट करने के बाद इसको हम टाइट कर देते हैं। तो इस रेडियल ड्रिल मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन पे इसके ऊपर ड्रिल कर सकते हैं, यानी 360 डिग्री के अंदर इसको रोटेट कर सकते हैं और ड्रिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा इसको ओपन कर लेंगे, उसको किसी भी पोजीशन पे घुमा सकते हैं, इसलिए इसका नाम रेडियल ड्रिल मशीन है, यानी किसी भी एंगल पे आप ड्रिल कर सकते हो किसी भी पार्ट्स का। तो मैं आप आज को थोड़ा आपको ड्रिल करके बताता हूँ किस तरीके से ड्रिल करते हैं। तो मैं आज आपको ड्रिल करके बता रहा हूँ, ये मैंने वर्कपीस लगाया है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर वाइस है, वाइस के ऊपर मैंने वर्कपीस को कर दिया, इसके बाद इसको मैं लॉक कर दूंगा। लॉक करने पर क्या रहता है, ये रेडियल ड्रिल मशीन घूमेगी नहीं और ये स्पिंडल इसकी पोजीशन पे आएगा और ये ड्रिल करना चालू कर देता है। तो मैं इसकी पोजीशन सेट कर देता हूँ। तो मैं इसको चालू कर रहा हूँ, चालू करने के बाद इसको जब चालू करते हैं इसका सेंटर पॉइंट से मार्क कर लेते हैं, इसके बाद इसके अंदर कूलेंट डालते हैं, पानी भी ले सकते हो आप, कूलेंट ऑयल भी ले सकते हो। मैं आज आपको ड्रिल करके बता रहा हूँ, तो आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एक बार और आपको बता देता हूँ, नीचे बेस रहता है, वो कास्टिंग करके बनाते हैं, इसके बाद पिलर रहता है, उसके ऊपर ग्रैंड फिनिश रहता है, फिर रेडियल आर्म रहती है,
इसको हम किसी भी पोजीशन पर मूव कर सकते हैं यानी घुमा सकते हैं। इसके बाद ये रहता है आपका फुली ड्रिवन है, तो इसको अलग अलग स्पीड पे हम इसको कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं और आरपीएम को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और इसको पोजीशन को किसी भी पोजीशन पे ला सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग तरीके की ड्रिल बिट यूज़ कर सकते थे, जितने भी एमएम का आपको ड्रिल चाहिए उसमें एमएम की आप ड्रिल बिट लगा कर इसके अंदर ड्रिलिंग कर सकते हैं। और हमेशा जब भी वर्कशॉप में काम करो तो जूते पहनना चाहिए, और क्योंकि इसकी चिप्स रहती है बहुत गर्म रहती है, वो कभी भी आंखों पे आ सकती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया ड्रिल किस तरीके से करते हैं, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं प्रकाश कुमार सैनी जेपी यूनिवर्सिटी गुना मध्य प्रदेश में आपको बता सकता हूँ पासू लगे किस तरीके से इसके अंदर ये ड्रिल किया है। अब ड्रिल पे हम टेपिंग भी कर सकते हैं, किस तरीके से इसके अंदर आप इंटरनल थ्रेड भी बना सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।